फ्रेंड्स, जब भी हम किचन बनवाते हैं तो हमें दो तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हर घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारा किचन, तो हर कोई चाहता है कि उसका किचन सुंदर और व्यवस्थित दिखे। तो आज के दौर में किचन को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए बहुत से तरीके आते हैं, उन्हीं में से एक है मॉड्यूलर किचन। लेकिन मॉड्यूलर किचन बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसे हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो सबसे पहला आता है स्टोरेज स्पेस। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें किचन में स्टोरेज स्पेस ज़्यादातर सामान रखने के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए हमें मोस्टली जो है स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स बनाने होते हैं। तो कैबिनेट्स तो मैक्सिमम आजकल के दौर में सभी के घर के किचन में आपको देखने ही मिलेंगे, या छोटा घर हो या बड़ा घर हो, उसके साइज के हिसाब से कैबिनेट्स तो आप बनाते ही है, कंपल्सरी। लेकिन जब भी हम कैबिनेट्स बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे ट्रॉलीस वगैरह आप लगा सकते हैं उसके अंदर, ताकि आपका और एक स्पेस मिले जो आपका क्रॉकरीज आइटम्स यूटेंसिल्स वो सब स्टोर करके रख सके। और जब भी कैबिनेट बनाते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें, और स्पेस के अकॉर्डिंग जैसे आपका किचन का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको लेआउट बनाना होता है। जैसे कि अगर आपका छोटा किचन है तो आपको ड्रॉवर जो है आपको कम बैठेगा, तो उसके लिए आपको एक उसके अकॉर्डिंग तो आप एक काम कर सकते हो कि कैबिनेट जो है आप नीचे से लेके ऊपर तक दीवार तक आप बना सकते हैं, तो उसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा स्टोर करने के लिए सामान, और आपका कैबिनेट्स भी अच्छा से फिट हो जाएंगे। और इस वीडियो पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिखाया, कैबिनेट्स के प्राइस भी मेंशन किया हुआ था कहीं में। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा आता है कि आप जब भी बनाते हो तो आपका ये देखना है पहले स्पेस कितना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग है, नहीं तो फिर अगर हम पूरे दोनों दीवारों पे कैबिनेट्स बनाएंगे तो हमें जो किचन का स्पेस है और कम हो जाता है, और हमें काम करने में भी दिक्कत आती है। तो आप जब भी किचन बनवाते हो तो आप 3-4 जन इंटीरियर डिजाइनर से आप संपर्क कर सकते हैं, मीन्स उनसे कोटेशन वगैरह मंगा सकते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज होगा। तो आपको क्या एक ब्रीफली एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको मार्केट पे क्या रेट चल रहा है और कौन से मटेरियल का क्या प्राइस है, तो उसमें जो आपको रिजनेबल लगेगा तो आप उस वेंडर के साथ आप जा सकते हैं, मीन्स या आप उससे बार्गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है दूसरे वेंडर्स का भी, तो आप उसपे और भी आप मार्जिन कम करा सकते हैं प्राइस का। तो मैं तो ज़्यादातर बोलता हूँ फ्रेंड्स, आप लैमिनेट कैबिनेट से बिठाइए, क्योंकि वो ड्यूरेबिलिटी भी उसकी अच्छी होती है और दिखने में भी अच्छा, आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी ज़्यादा मिलेंगे उसमें। तो आप सबसे पहले अपना बजट बना के रखिए कि मैं इतना एक्सपेंस कितना कर सकता हूँ, ताकि आपको बीच में कोई चेंजेस ना करना पड़ सके बजट की वजह से, तो उससे क्या आपका जो ओवरऑल लुक है वो खराब हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका किचन का स्पेस, आपको कैबिनेट्स कहाँ लगाना है, आपका किचन काउंटर टॉप कहाँ रहेगा। तो जब भी आप काउंटर टॉप लगाते हो उसमें ग्रेनाइट वाला ही यूज़ कीजिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है और ज़्यादा पीला नहीं पड़ती है, कुछ भी हमारा सब्जी वगैरह गिरने से ख़राब नहीं होती है, और हीट भी उस पर जल्दी नहीं पकड़ता है। तीसरा आता है हमारा कैबिनेट्स। कैबिनेट्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किचन का, उसके बिना तो हमारा किचन अधूरा रहता है। तो जब भी आप कैबिनेट बनाते हो तो आप डिसाइड कीजिए कौन सा कलर आपको पहले, ये वीडियो में भी आपको शायद हेल्प मिलेगा कि आपको कौन से कैबिनेट आपके लिए किचन बेटर है, और मटेरियल कौन सा यूज़ करना है किचन कैबिनेट्स के लिए, ट्रॉलीज कितना लगने वाला है। और सबसे चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका स्पेस लेआउट कैसे बनाना है, कि आपको एल शेप चाहिए कैबिनेट्स का, या सिंगल स्पेस, या यू शेप। तो यू शेप के लिए आपका किचन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपका छोटा किचन है तो मैं तो बोलता हूँ एल शेप में बना के लीजिए, ताकि आपको एक लुक भी अच्छा मिलेगा और आपका स्पेस का जो यूटिलाइज है वो भी अच्छा होने लगेगा। तो आप इस वीडियो पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से अच्छा डिजाइन अपलोड किया, ताकि आपको एक बेन्यू आइडिया मिल सके किस तरह का डिजाइन बनाना है, कैबिनेट्स कौन सा यूज करना है। अगर आपको कोई क्वेरी से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने मेल आईडी वगैरह डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया है।